हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। जहां पर वैकेंसी रहती है, जहां पर हायरिंग चलती है, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं वहां पर जाकर। अभी हाल फिलहाल हम JBJ कंपनी के ठीक सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर हायरिंग चल रही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कम्युनिटी टैब यूट्यूब पर और स्टोरी में लगा दिया था, है ना, कि जो भी भैया इच्छुक है काम करना चाहते हैं वो गौरव भैया से संपर्क कर लें। अभी हमारे साथ जो है कि क्यूज़ के एम्प्लॉज एज ए गौरव जी हैं, जो कि ये हायरिंग लेते हैं बच्चों का। जो भी कैंडिडेट आना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करें, पूरा डिटेल हम भैया के जुबानी सुनते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है कैंडिडेट्स को कि वो घर बैठे एक वीडियो के माध्यम से ये जान पाता है कि किस कंपनी में किस समय भर्ती चल रही है और वो जाके उस चीज़ का लाभ उठा सकता है। मैं इसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने ये माध्यम निकाल दिया है कि घर बैठे लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। और मेरा नाम गौरव है और मैं क्वेस्ट कॉर्प से हूं, और हमारे पास एक ही कंपनी नहीं है, पूरे भारत में हमारे पास तमाम कंपनियां हैं। अगर कोई कैंडिडेट काम करने का इच्छुक है और वो चाहता है काम करना और वो मुझे कॉल करे, मैं उसको उसी के क्षेत्र में उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी दूंगा। अभी हमारे पीछे एक कंपनी है JBJ टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी है, प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाती है, जिसमें हमें 10वीं पास, 12वीं पास और एक कोर्स होता है CPET। CPET में दो कोर्सेज होते हैं, एक डिप्लोमा और एक शॉर्ट टर्म। जिसका शॉर्ट टर्म कोर्सेज है वो भी आ सकता है, जिसका 3 साल का डिप्लोमा वो भी आ सकता है। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सैलरी कितनी है। आपको 8.5 घंटे की शिफ्ट करनी है। अगर कोई छात्र 10वीं और 12वीं पास है और वो नौकरी करना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, अधिक से अधिक 32 साल तक वो आ सकता है। 10वीं पास 12वीं पास का जो सैलरी मिलेगा 8.5 घंटे का, वो मिलेगा आपको 10,800 प्लस 8.5 घंटे का। सर 8.5 घंटे, क्योंकि 8 घंटे की जनरल शिफ्ट होती है और 30 मिनट में हमारा दो बार का चाय का ब्रेक और एक बार का खाने का ब्रेक इंक्लूड होता है। तो हम आपको देंगे 8.5 घंटे की शिफ्ट में 10,800 प्लस आपको 3.5 घंटे पर डे ओवर टाइम करना है, क्योंकि यहाँ 12-12 घंटे की शिफ्ट चलती है। तो एक शिफ्ट हमारी 12 घंटे की जो शुरू होती है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक होती है, और दूसरी शिफ्ट शाम के 8 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 8 बजे तक होती है। इन दोनों शिफ्टों में आपको खाने की व्यवस्था कंपनी के अंदर ही मिलेगी, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, और ओवर टाइम का पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। ओवर टाइम पर घंटे की बात करें तो कैसे मिलता है? सिंगल ओवर टाइम है, सैलरी के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से सिंगल होता है। अगर CPET कैंडिडेट है, वो शॉर्ट टाइम कोर्सेज करके आया है 6 महीने का, तो उसका 11,500 लगता है। अगर ITI पास है उसका 11,000 रुपये लगता है। अगर CPET डिप्लोमा 3 साल का है तो उसका 12,500 लगता है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिंगल ओवर टाइम जो भी पर आवर्स का निकलेगा वो आपको 3.5 घंटे पर डे ऐड ऑन करके दिया जाएगा। सैलरी के हिसाब से जो भी ओवर टाइम निकलेगा वो घंटे के हिसाब से ऐड करके दिया जाएगा, है ना सर? राइट सर, राइट। और इसके अलावा आप अच्छे से काम करते हो, मोल्डिंग डिपार्टमेंट में आप अच्छे से काम करते हो, तो आपको ऑपरेटर बनने के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ जो बच्चे CPET शॉर्ट टर्म, CPET डिप्लोमा और ITI करके आए हैं, उनको अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं अगर वो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। तो उनके पास माध्यम है, वो माध्यम हम लोग दे रहे हैं आपको, ग्रैप आपको करना है। सर अगर JBJ की बात करें, JBJ कंपनी हमारे पीछे है, तो अभी इसमें कितने क्वांटिटी में वैकेंसी हैं सर? JBJ में हमारे पास 200 वैकेंसीज अभी बाकी हैं, और हम लोग डेली कैंडिडेट बाहर से मोबिलाइज करा रहे हैं। कोई बनारस से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, तो ऐसे तमाम दूर के क्षेत्रों से ही कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकल की हायरिंग यहाँ लेते नहीं हैं। कम से कम 100 किलोमीटर का दायरा हम लोग कंपनी का छोड़ते हैं, उसके बाहर का ही बच्चा हम लोग बुलाते हैं। तो बाहर के बच्चे कैसे आते हैं, क्या कैंपस होता है क्या सर? बाहर के बच्चे, एक तो सबसे बड़ा माध्यम आपका यूट्यूब चैनल, दूसरा मेरे कुछ ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप है, और कैंपस ड्राइव्स भी हम लोग करते रहते हैं। हाँ, तो हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो जो बच्चे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं JBJ कंपनी में, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? JBJ कंपनी में आने से पहले वो मुझे कॉल करें,
मैं उनको सारी सूचना दूंगा, उनसे कुछ सवाल पूछूंगा उनके पढ़ाई के बारे में और उनकी उम्र के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में। फिर मैं उनको एक डेट दे दूंगा, उस डेट पे आके वो मुझसे मिलेंगे। सुबह 8:30 बजे यहाँ पर से हायरिंग स्टार्ट हो जाती है, 9:30 बजे हम लोग बंद कर देते हैं, 8:30 से 9:30 ओनली। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, गौरव जी से बातचीत काफ़ी अच्छा लगा, कंपनी के हम ठीक पीछे ही हैं, जैसे कि देखा थोड़ा इधर कैमरा में दिखा दो, इन सब भाई गौरव जी के थ्रू आए हैं और इन सभी के ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा गौरव जी से बातचीत कर लेते हैं इन कैंडिडेट को लेकर। सर जो भी बच्चे आए हुए, जैसे कि मैं बता दूं आपको, जो कैंडिडेट आए क्या इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आज? बेसिकली क्या है कि मैं पहले यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता हूँ, अंदर जाते हैं, अंदर डिपार्टमेंट में इनका एक ट्रायल होता है, ट्रायल मात्र 1 घंटे का होता है। उस ट्रायल में बच्चों को कंपनी के काम के बारे में बताया जाता है, वो काम अगर उसको 1 घंटे में समझ आ जाता है तो डिपार्टमेंट हेड उसको वेरीफाई ओके करके उसकी नेक्स्ट डे की डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्म कर देते हैं। अगले दिन बच्चा आता है, अपने सारे पेपर एचआर को जमा कराता है, फोटोग्राफ्स और अपना बैंक अकाउंट के साथ, और उसकी ज्वाइनिंग उसी दिन से नेक्स्ट डे से निश्चित हो जाती है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है या तो नॉर्मल कंपनी की तरफ? ये अप्रेंटिसशिप है हमारी, 1 साल की अप्रेंटिसशिप। यस, अप्रेंटिसशिप और कॉन्ट्रेक्चुअल में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर किसी कैंडिडेट ने अप्रेंटिस कर लिया और उसके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आगे एक पड़ाव और कंपनी में बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि सैलरी उसको अच्छी मिल जाएगी अगर अप्रेंटिस करके? जाहिर सी बात है, अगर वो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर 1 साल कर रहा है, 1 साल बहुत बड़ा समय होता है एक बच्चे को अपने आप को प्रूफ करने के लिए, काम को सीखने के लिए। अगर वो यहाँ पर ही सीख जाता है तो कंपनी उसको परमानेंट भी कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस के भी आप पर, उसकी परफॉर्मेंस भी आप पे हो जाएगा। तो हम बात करें तो क्या हर जगह पर, जैसे आपने बताया कि हर शहर में हर सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी हम दिला सकते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें? ज़रूर, अगर कोई भी कैंडिडेट बैंगलोर बैठा है, अहमदाबाद बैठा है और वो यहाँ से किसी के माध्यम से गया था, नौकरी पाने गया था, बट उसकी जॉब नहीं लगी है, वो मुझे कॉल करे, मैं उसको उसी क्षेत्र में उसको जॉब दे दूंगा। इस बात की श्योरिटी है सर? श्योरिटी है, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में, मैं बता देता हूँ, तो हमारे लोकल ऑफिसेज बने हुए हैं और लोकल टीम हमारी डिप्लॉय करी गई है, वो लोकल टीम के साथ मेरा संपर्क है, मैं उनके लोकल टीम के साथ नंबर एक्सचेंज करके आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। काबिलियत और योग्यता आपके पास होनी चाहिए। हाँ देखिए, काबिलियत है और करने की क्षमता है, आप चाहते हो काम करना, फिर तो नौकरी की कमी नहीं। हाल फिलहाल मैं भी आपको बताता हूँ, तो गौरव जी से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो भाई इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं, नोएडा के अंदर है, तो भैया से संपर्क कर सकते हैं जो कि गौरव जी हैं, अदरवाइज दूसरे शहर से हैं। जब भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तब भी हमारे वीडियो के माध्यम से गौरव जी से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के हमारे वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नंबर बता दीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर है 9891835922। कॉल करने का समय रहेगा 8:00 बजे से 8:00 बजे तक। टाइम सर, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भर सर ने बताया ना, प्लीज़ यार, क्योंकि सर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हमें नंबर डालने में ना थोड़ा एक बार सोचना पड़ता है ना, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, गौरव जी आपके लिए काम कर रहे हैं ना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये वर्क कराना। हालांकि ये भी एक एम्प्लॉय, जहाँ भी जाएंगे 50-40 हज़ार सैलरी इनको मिल जाएगी, लेकिन ये आपके लिए काम कर रहे हैं गौरव जी, राइट ना? मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप ही को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप जॉब पे जाएंगे तो आपके घर में चूल्हा जलेगा, आपके 4 परिवार के सदस्य रोटी खाएंगे और मुझे दुआ देंगे। मेरे को सिर्फ आपसे यही आशा है कि आप कहीं भी अच्छी जगह जाके मेरे माध्यम से जॉब प्राप्त करें और जॉब करें। आप 8 से 8 का टाइम मैंने इसलिए दिया है कि मेरे पास है ना इतनी कॉल्स आ जाती है कि मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे सकता कि 500 कॉल मेरी नॉर्मल डेली की हो जाती है, तो मैं कॉल उठा के इतना थक जाता हूँ कि मेरे पेन होना शुरू हो जाता है दिमाग में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, समय का बहुत ध्यान रखें, समय का आप लोग ध्यान रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल। थैंक यू।